अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दो युवकों को गोली लग के छर्रे लगने से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी CSC गजरोला में ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने की वजह से जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर थाना क्षेत्र के ही गांव सलारपुर निवासी अमन लक्की प्रियंक अर्जुन ने लाइब्रेरी जा रहे निशांत सिंह व उसके साथी प्रेम सिंह पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से इन दोनों युवकों को छर्रे लगे और घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को नज़दीकी CSC गजरोला में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होता देख जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों से पूछताछ की। वे घायल द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने दबंग युवकों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम निशांत चौधरी। निशांत जी कहाँ रहते हैं आप? बस्तोरी। अच्छा, क्या मामला? जो आपकी मतलब चोट वोट लगी? सामने पढ़ना आ रहा था गजरोला लाइब्रेरी, तो सलालपुर सामने घेर लिए, मैं और मेरा भाई था विष्णु, दोनों घेर लिए और सामने से फायरिंग झोंक दी। किसने की थी फायरिंग? एक तो अमन था, लक्की और प्रियांक था और अर्जुन था। प्रियांक अर्जुन कहाँ के रहने वाले? सलालपुर के। प्रियांक का। अच्छा, इससे पहले भी कोई आपका झगड़ा है या कोई बात थी? कोई मनमुटाव ना है, कल भी साहब ऐसे घेर रहे थे, कल हम निकल आए थे। पुलिस द्वारा CSC पर एक व्यक्ति को लाया गया है, जिसके छर्रे लगे हुए हैं, उसके छाती पर, पेट पर, आग में उसके छर्रे लगे हुए हैं। हमने उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल अमरोहा रेफर कर दिया है।